एसपीजी वर्सेस बीएड, शॉर्ट में इस वीडियो में आप लोगों को समझाने जाऊंगा व्हिच इज बेटर। सो बहुत दिन पहले मैंने आप लोगों के कम्युनिटी पोस्ट दिए थे जिसमें ज्यादातर बोर्ड स्टूडेंट्स लोग के आए थे पीजी वर्सेस बीएड के एक वीडियो लाने के लिए, कौन से कोर्स बेटर है एंड इन फ्यूचर कौन से कोर्स का स्कोप ज्यादा है। सो इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों कोर्स के कंपटीशन से पहले जो मेन फैक्टर्स होते ये होते स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शंस। तो स्टूडेंट्स का क्या ड्रीम है, कौन सा करियर में उसको जाना है, सो ये सबसे बड़ा फैक्टर्स होते जब भी हम कोई कोर्स करना चाहते हैं। सो किस लिए वो कोर्स करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जाके हमें अच्छे से अच्छा एक जॉब मिले, हम अपने आप को सेटल्ड कर पाए या फिर हमारे जो ड्रीम्स और ड्रीम्स हम फुलफिल कर पाए। सो फर्स्ट फैक्टर्स जो होते वो होते आपके करियर ऑप्शंस, आपको कौन सा करियर पे जाना है उसी के ऊपर बेस करके आपको कोर्स करना पड़ता है। सो बात करते अगर टीचिंग जॉब पे आपको जाना है देन बीएड इज मोर प्रेफरेबल देन पीजी, बट आपको अदर देन टीचिंग जॉब में जाना है देन पीजी इज बेटर देन बीएड, क्योंकि बीएड एक है प्रोफेशनल कोर्स एंड पीजी है एक जनरल कोर्स, एक मास्टर्स कोर्स है। सो बीएड जब हम करते हैं ये नॉर्मली टीचिंग्स के लिए प्रोफेशनल कोर्स है, जिस कारण टीचिंग में ही उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपके पास बीएड नहीं होगा देन आप गवर्नमेंट टीचर्स बन नहीं पाओगे, अभी कंपलसरी हो चुकी है। अगर आप पीजी करते हो देन आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आप अप्लाई कर पाओगे, बट बीएड लेके आप बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है जिस कारण ये टीचिंग जॉब में ज्यादातर वैल्यूएबल होते हैं। बट अगर आप पीजी करते हो देन टीचिंग जॉब में अवेलेबल कम होते हैं, क्योंकि पीजी के साथ साथ आपको बीएड और पीएचडी अगर आप कॉलेज लेवल में जाते हो सो ये कंपलसरी आपके लिए होते हैं। सो पीजी का तब प्रेफरेंस थोड़ा कम होते अगर कंपेयर करें बीएड के साथ। सो फर्स्ट जो मैंने पॉइंट आपको की करियर ऑप्शंस, सो आपका करियर या ड्रीम्स क्या है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो देन बीएड आपके लिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है पीजी से, और अगर आप अदर्स गवर्नमेंट जॉब में जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप फेस करना चाहते हो देन बीएड से ज्यादा आपका पीजी इम्पोर्टेंस हो जाता है। आप कंपेयर करते हैं उनके ड्यूरेशन को लेके, सो पीजी भी 2 साल के है एंड बीएड भी 2 साल के। आप बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स को लेके, सो कंपेयर करें अगर पीजी एंड बीएड के देन बीएड में फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं, रीजन प्रोफेशनल कोर्स, पीजी से 3 to 4 times ज्यादा फीस होते हैं बीएड के। अब बात करते हैं करंट सिचुएशंस के ऊपर, सो जब से हमारे आसाम में टेट से जॉब मिलना स्टार्ट हुआ है तब से बीएड एंड डीएलएड का क्रेज बना हुआ है स्टूडेंट्स लोगों के बीच में, सबको डीएलएड एंड बीएड करना है देन असम टेट के लिए प्रिपरेशन लेना है एंड असम टेट क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब में जाना है। सो अगर आपके ड्रीम से टीचिंग में, सो आप बीएड करिए, मैं आपको कहूंगा बीएड करिए पीजी से इम्पोर्टेंस आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीएड को दीजिए। आफ्टर ग्रेजुएशन 2 सालों में जब बीएड आप क्लियर कर लोगे देन आप टेट के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे, बट अगर आपका ड्रीम से टेट नहीं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन आप आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी में जाइए। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कोर्स ही बराबर है, ये आपके करियर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि एक के अलावा दूसरा कभी चल नहीं सकता। सो बीएड का जितना इम्पोर्टेंस है पीजी का भी सेम इम्पोर्टेंस एक्सपीरियंस के करियर पे है। सो ये आपके करियर ऑप्शंस पे रहेगा, आपको जिस करियर की तरफ जाना है आप उसी कोर्स को करिए और एक लाइन पे करिए, सो आप इजिली आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। एंड कुछ गाइडेंस चाहिए देन मैं हूँ, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, जितना मेरे में नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ट्राई करूंगा आपको सही इन्फॉर्मेशन में दे पाओ। सो पीजी एंड बीएड को लेकर जो स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन था आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करने चाहिए, सो होपफुली आप लोग क्लियर हो गया होगा। सो ऐसे करियर गाइडेंस वीडियो चैनल पे मिलते रहेंगे, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल कर देना ताकि एवरी वीडियो के अपडेट्स फर्स्टली आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे।